देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। पिनकॉन ग्रुप कंपनी के डायरेक्टर मनोरंजन रॉय की पत्नी मौसमी रॉय की जमानत के बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद उनके पैसे वापस हो जाए, और ऐसा कंपनी ने एफिडेविट में भी कहा था कि जब जमानत मिल जाएगा तो निवेशकों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन मौसमी रॉय की जमानत होने के बावजूद भी अभी तक निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए गए। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि मौसमी रॉय को तो जमानत मिल ही चुकी है, लेकिन बाकी के जो डायरेक्टर है उनको अभी जमानत नहीं मिली है। उनकी जमानत डेट आगे बढ़ा दी गई है, शायद इसी वजह से निवेशकों को उनके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि पिनकॉन ग्रुप कंपनी की तरफ से कोर्ट में एफिडेविट में ये लिखा गया था कि अगर जमानत मिल जाए तो लोगों को निवेशकों को पैसे लौटा दिए जाएंगे, लेकिन मौसमी रॉय ने इस पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि पिनकॉन ग्रुप कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप में दावा किया है, तो जाहिर सी बात है कि निवेशकों के पैसे इन्हें देने ही पड़ेंगे। निवेशकों से धोखाधड़ी और पैसे ठगने के मामले में पिनकॉन ग्रुप की कंपनी के डायरेक्टर समेत कंपनी के कई अधिकारियों को पुलिस ने फर्जी मामले में गिरफ्तार किया था, और जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनके नाम ये हैं: मनोरंजन रॉय जो कि कंपनी के मालिक है, मौसमी रॉय मनोरंजन रॉय की पत्नी है, राजकुमार रॉय, सिद्धार्थ रॉय, स्वप्न कुमार श्रीकर, अरूप ठाकुर, चंदन कुमार अधिकारी, गौतम घोष, हरि सिंह, संदीप ठाकुर, विनय सिंह, जग बहादुर नगी, सरभजीत शाह। ये वही लोग हैं जो निवेशकों से 10 राज्यों में 4 लाख निवेशकों के साथ धोखा किया, लेकिन इनमें से कई को तो जमानत मिल चुकी है और 3 को अभी जमानत नहीं मिली है। विनय सिंह, गौतम घोष, हरि सिंह, इन्हें अभी जमानत नहीं मिली है, बल्कि इनके जमानत की तारीख बढ़ा दी गई है। हालांकि मौसमी रॉय जो कि कंपनी के मालिक मनोरंजन रॉय की पत्नी है, जिन्हें हाल ही में रिहा किया गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने निवेशकों के पैसे लौटाने पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि जमानत से पहले उन्होंने कहा था कि जमानत मिलने के बाद हम निवेशकों का पैसा जल्द ही लौटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको तो जमानत मिल गई है पर निवेशकों का पैसा अभी तक वापस नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि जमानत होने के इतने दिन होने के बावजूद भी निवेशकों के पैसे अभी तक वापस नहीं हुए, या फिर इनकी ये चुप्पी निवेशकों के लिए बड़ी खबरी बनकर आए। खैर जो भी हो, लेकिन निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौसमी रॉय बाहर आ गई है तो समझो आपके पैसे जल्द मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी ने एफिडेविट में खुद कहा था कि जमानत मिलने के बाद जल्द ही निवेशकों के पैसे वापस हो जाएंगे। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।